मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाले कांग्रेस के ट्वीट पर सियासी बवाल मच गया है। सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी और कमीशन पर ट्वीट करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराएगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट पर ठेकेदारों एसोसिएशन के लेटर के हवाले से 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। कल कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यू रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है कि एक फर्जी पत्र जारी करके और इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा ये बताने का प्रयास करना कि मध्य प्रदेश के अंदर एक तथा कथित किसी ठेकेदार के नाम से झूठा पत्र जारी किया कोई एसोसिएशन के नाम से, और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस झूठ को जो मैं हमेशा से कहते आया हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ ये मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलने की मशीन हैं, और कल तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। इस पत्र के माध्यम से झूठ बोल करके केंद्रीय नेतृत्व को भी, चाहे वो श्रीमती प्रियंका गांधी होंगी या श्रीमान राहुल गांधी होंगे, इनसे भी इस पत्र झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट कराकर जो प्रयास किया है वो दुर्भाग्यजनक मात्र नहीं है, ये कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को आज देश के अंदर दिखाई देता है। कांग्रेस तो दिन भर एक ही काम करती है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, जब देखो तब झूठ बोलना है। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।